तो दोस्तों यहाँ पे बाहर जाने के बाद हम आ चुके हैं घर, और घर ऐसे बिखरा पड़ा होता क्योंकि सुबह सुबह मैंने जल्दी आ जाती थी, झाड़ पोछा नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी, मतलब साफ कर लूँगी। और जैसे कि गुरुवार है तो पोछा नहीं, शुक्रवार, हाँ शुक्रवार था तो कुछ लगाने का भी बनता था, सॉरी मैंने गुरुवार समझा। तो यहाँ पर बच्चे बार बार आए थे तो यहाँ पर अच्छे से सफाई कर लूँगी, और साड़ी मैंने इसीलिए पहनी क्योंकि बारात में सही रहता है, इंडियन लुक आ जाता है ना साड़ी, साड़ी वाड़ी में शादियों में साड़ी वाड़ी पहनने से तो इसीलिए अच्छा भी लगता है लुक, और तो कुछ चेंज भी हो जाता है। तो मैंने कहा इसी में ब्लॉग शूट कर लिया। तो यहाँ पे बारात जाने के बाद जो लेडीजें बच जाती हैं उनके लिए खाना पीना बनाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी लेडीजें थी और मैं खाने के लिए यहीं आ गई थी क्योंकि घर में एक्चुअली सपरिवार का निमंत्रण था, सॉरी का डिस्टर्ब हो गया होगा। तो हमने खाना पीना सब यहीं खाया। और किसी किसी को आज का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। आज हम बाहर का भी वीडियो थोड़ा बनाया, मैंने कहा क्या घर के अंदर का थोड़ा आपको अलग से कुछ पता दिखना चाहिए। तो यहाँ पे गोलू भी खा रहा, पे भी खा रही, फिर से घर आ चुके हैं। और ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग, जब हम कहीं जा रहे थे तो उस कब कहाँ जा रहे थे वो आपको भी पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं साड़ी पर प्रेस कर रही हूँ। वीडियो को लास्ट देखिएगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए साड़ी मैं इस तरह से बेड के ऊपर ही प्रेस कर लेती हूँ, टेबल नहीं लगाती हूँ, कौन तामझाम ज़्यादा करे। और इजी कंफर्टेबल भी रहता है, कैसे हम हाउस वाइफ घर और सब मतलब बाहर भी घर भी और कोई फंक्शन हो तो उसको भी एडजस्ट करना जानती है। और आज मैं शिवरात्रि का डे का ब्लॉग है, डे के दिन इसको मतलब वो कर रही हूँ, पब्लिश कर रही हूँ। तो शिवरात्रि का ब्लॉग आपको कल को मिलेगा।
और बहुत अच्छा जाएगा। तो इंजॉय कीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा, लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। तो वीडियो वॉइस को यहीं विराम देते हुए आप इंजॉय कीजिए।